Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy, जहां आप हमसे अगर टूल लेते हैं और लेंगे उम्मीद करता हूं, तो हम उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो आपको सिखाते हैं। तो पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वीडियो देखने की जहमत उठाई और जिन्होंने कमेंट सेक्शन में डाला, एंड थैंक यू सो मच। और जो एक जेंटलमैन है शोम गराज, उन्होंने कहा कि भाई समझ रहा हूँ मैं आप जो बात कर रहे हैं, जो हम उसकी बात कर रहे थे टेबल टॉप टेस्टर की, पर ये है कि जब जो ड्राइवर हैं अगर वो फेल हो जाते हैं इंजेक्टर ड्राइवर इन एवरीथिंग, तो कई बार मतलब कभी कभार वो काम आ जाता है। नॉट रियली, मतलब मैं आपसे अग्री करता हूँ बट अग्री टू डिसएग्री, सॉरी। बात यह है कि बहुत और तरीके हैं। तो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, ये जो ECM ट्रेनिंग है और जो ये टेबल टॉप का है, एक नए भाई साहब उजागर हुए हैं मार्केट। इत्तेफाक से उनकी बदकिस्मती है या क्या है, आई डोंट नो कि। और मैं इसलिए बदकिस्मती कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको तर्क दूंगा, जो मैं आपको रीजंस दूंगा, वो आप अगर मेरे से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और जिस भाई साहब का वो टूल है वो भी आके मेरे को समझा दे कि भाई तुमने ये क्या दिमाग लगा के बनाया है। दिमाग तो उसने लगाया है, नो डाउट। अब है क्या है उस टूल का, वो कोई आई डोंट नो क्या नाम है उस कंपनी का, ध्यान भी भूल रहा हूँ मैं, वो उस टूल का नाम है ECM क्रैंकिंग सिग्नल जनरेटर। अब उन्होंने कहा भाई साहब ये जो टेबल टॉप के ऊपर ECM टेस्टर फेस्टर, ये तो ये नाम पुराने हो गए, तो माल जो है वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, पुरानी शराब नई बोतल में पैक करो, वो जी बन गया ECM क्रैंकिंग सिग्नल जनरेटर। उसका तरीका ये है, और ये जितने भी ये मैंने आपने पहले भी अर्ज किया कि टेबल टॉप का उतने तक का यूज है, जो कि आप अगर चाबी और मीटर का काम करते हो वहां तक तो ये टूल जो है आपके पावरिंग डिवाइस है, कारगर है। लेकिन द मोमेंट आप एक्चुएटर्स पे आ जाते हो, जैसे कि ये भाई साहब आए और बाकी वो टिंग टिंग कर रहे थे, तो वो तो टिंग टिंग ही कर रहे थे, ये जो भाई साहब है इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने जो मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी बढ़िया नहीं है, इन्होंने क्या करा है कि ये आपका टेस्टर है, उसको ECM के साथ कनेक्ट किया, और ये आपके चार, मैं आपको जान के उसके कहे मुताबिक CRDI के इंजेक्टर ले रहा हूं, और उसने भी इंजेक्टर लिए, और वो इंजेक्टर टेबल पे वो उनको टिक टिक कर रहा है ये दिखाने के लिए कि उसमें सप्लाई आई है, LED लगा दी, और एक उसने रेल प्रेशर का एक वो नॉब लगा दी, एक कूलेंट टेम्परेचर की नॉब लगा दी, और उसको जब घुमाता है तो उसका कहना यह है कि भाई ये रेल प्रेशर वगैरह। अब दैट इज ओके, बात समझो जो मैं कह रहा हूं। ये जो टेस्टर है वो किस तरीके से काम करता है कि जो आपका ECM का जो ये एक सिग्नल भेजेगा, ओके, जो क्रैंक सेंसर का सिग्नल है वो सिमुलेट करके इसे भेजेगा, ECM वापस जो इंजेक्टर का सिग्नल है वो इसे भेजेगा। ECM को कुछ नहीं मालूम है कि ये बेंच पे लगा हुआ है या कहाँ लगा हुआ है, और जो सप्लाई है उसने इंजेक्टर चार डीजल के कनेक्ट कर दिए और ये हो गया फायर, ठीक है। अब आप बात समझो कि जो ये प्रिंसिपल है टेस्टर का, जो ये इसने बनाया है बंदे ने, अगर आप इसको ध्यान से देखो, सारे टेक्नीशियंस ने हमारे इंडिया में पेट्रोल का इंजेक्टर क्लीनर मशीन देखी हुई होगी, काम भी किया होगा कईयों के वर्कशॉप में लगी भी हुई है, और जो डीजल का जो आप इंजेक्टर्स की टेस्टिंग कराते हो तो वहां पे भी आपने जाके देखा होगा कि वो जो डीजल की वो जो मशीन है
जिसमें सीआरडीआई के इंजेक्टर लगते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के, वो जो मशीन्स हैं वो उनके साथ एक सिमुलेटर लगा होता है। सिमुलेटर का काम यही है कि आप वो सिग्नल्स जो है वो आप देते हो, क्योंकि जब तक वो सिग्नल्स नहीं आएंगे जो इंजेक्टर्स हैं और जो उसका जो वो बेंच है वो इंजेक्टर को फायर नहीं कराएगी। ओके, अब इसने क्या कराया भाई ने कि इसने ईसीएम लगा दिया और ईसीएम लगा के इसने इंजेक्टर लगा दिए और इंजेक्टर दिखा रहा है डीजल के टेबल पे। अब बात ये है फ्रेंड, एक बात ध्यान रख लेना, पहले तो जो इंजेक्टर हैं जिंदगी में कभी सूखे मत चला, वरना उसके इंजेक्टर का आपका सत्यानाश हो जाएगा। आई होप एवरीबडी, सारे लोग इस चीज से मेरे साथ इत्तफाक रखेंगे कि बिना फ्यूल के अगर आप इंजेक्टर को फायर कराते हो, मतलब ऑन टेबल, और वो कुछ भी टिक टिक कराते हो, तो वो टिक टिक तुम्हारी बजा देगा, टिंग टिंग करके, ढंग ढंग करके। दूसरा, आप एक बात समझो, बहुत सारे टाइम्स आप ये देखते हो कि आपने इंजेक्टर जब कराए तो आपने आपने देखा कि उसने रिपोर्ट दे दी, हाँ जी ये जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब जो इंजेक्शन क्वांटिटी है बिल्कुल ठीक है, रिटर्न भी ठीक है, व्हाटएवर, ये जो भी है वो बहुत एक अलग सब्जेक्ट है, विल डिस्कस इट। लेकिन आप एक फंडामेंटल चीज देखो और मैं आपको बताता हूँ, है क्या कि मैं सिर्फ चार स्ट्रोक इंजन है, लेकिन मैं आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ इस कंप्रेशन स्ट्रोक पे लेके आ रहा हूँ। जो पहला स्ट्रोक है वो इनटेक है, क्योंकि इसने सीआरडीआई लिया है, तो मैं मान तो इसी की बात करेंगे कि इनटेक में ये एयर ले रहा है। और सेकेंड स्ट्रोक आपकी कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, बहुत ही जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो कंप्रेस होके, लेट से कंप्रेशन रेशियो इज 20:1, तो जो एयर थी वो 20वां हिस्सा रह गया है उसका, राइट। सो इट्स लाइक जो पोर्शन है बिल्कुल ही कम रह गया। अब वो जो कंप्रेस्ड एयर है, और जब वो कंप्रेस हो रही है, दो काम हो रहे हैं, एक तो वो एयर जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, एकदम, तभी आपका डीजल का कंबशन होगा, वो जाहिर सी बात है, वो एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और दूसरा जो अपोजिंग एयर, मतलब जो वो ऊपर उठ रही है एयर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो एयर एक्सपैंड भी कर रही है, तो जो इंजेक्टर होता है उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो उस एयर चार्ज को पेनिट्रेट करके वो, क्योंकि जो आपका इंजेक्शन है वो इधर होगा, चाहे वो जीडीआई हो या डीजल हो, वो आपके कंप्रेशन स्ट्रोक पे होगा, और कंप्रेशन स्ट्रोक के मतलब कितने, मतलब क्रैंक के कितने डिग्री पे है वो इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन बात ये है, साइंस ये है कि जब कोई भी चीज कंप्रेस होगी, एयर कंप्रेस होगी, तो आपके जो इंजेक्टर है उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो फ्यूल को अपोज ना कर दे, फ्यूल की ऑप्टिमम मिक्सिंग होनी चाहिए, और जिसे हम स्वर्ल बोलते हैं डीजल टेक्नोलॉजी में, हम इसे स्वर्ल बोलते हैं, मतलब अब जब एयर कंप्रेस होती है तो वो घूमती भी है बहुत हाई स्पीड पे, तो उस स्पीड पे अगर आपने हल्का सीआरडीआई, मतलब उतने प्रेशर का इंजेक्शन नहीं किया, तो अगेन लाइक आई सेड, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो जो पोर्ट इंजेक्टर है पेट्रोल का, उसकी जो इंजेक्शन होती है वो इनटेक भी हो जाती है। ओके, तो ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि एयर और पेट्रोल का चार्ज अंदर आता है और फिर वो कंप्रेस होता है, और जो स्पार्क है उसका काम है बेसिकली, जब वो इसको इग्नाइट करेगा तो उसको भी ये गैप को जंप कराना है। ओके, सो अगेन ये लंबी टेक्नोलॉजी है, मतलब आप अगर थोड़ा इसको लॉजिक समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये टेबल टूबल के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये हसीन रहेंगे नहीं, ये आपके इंजेक्टर का तबाह कर लेंगे, और कुछ भी इससे हासिल आपको अगर लगता है कुछ होगा, मेरे लिए यार अगर क्रैंक सेंसर को चेक करना है तो मेरे पास स्कैनर है, मेरे पास ऑसिलो है, मैं मल्टीमीटर से गाड़ी में चेक कर लूंगा,
मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं ईसीएम खोलूं, इंजेक्टर खोलूं, फलाना करूं, ढिमकाना करूं, यह देखने के लिए कि क्रैंकिंग सिग्नल आ रहा है कि नहीं, और आ भी रहा है तो मैं टेबल पे इंजेक्टर को फायर करा के अपना सत्यानाश क्यों कराऊंगा, यू नो दैट इज रियली स्टूपिड। और अगर आपको इतना वो है तो आपको जो सिग्नल जनरेटर मिलते हैं, मतलब एक कंपनी है डाइटेक, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, वो आपके चार तरीके के सिग्नल निकालती है और एक्चुएटर में 4 एम्प का करंट भी देती है, मतलब वो छोटा का यू नो आई थिंक 200-250 यूरो का है, विच इज लाइक 18,000-25,000 मैक्सिमम जो भी होगा। ये डबिया को लेके जो ये सो कॉल्ड इंजेक्टर फायरिंग है टेबल पे, ये अपने आप में एक बहुत ही यू नो फुदू चीज है आई से, क्योंकि प्लाइजाइड सूखा, आपने इंजेक्टर चला दिया, सत्यानाश हो गया, डीजल आप डालोगे और अगर उस इंजेक्टर ने फायर कर दिया तो अगर वो इतने हाई प्रेशर का आपके हाथ पे फायरिंग हो गई तो भाई साहब हाथ ही कटवाओगे आप। जिधर भी डीजल इंजेक्टर का सीआरडीआई का जो स्प्रे आता है, जितने हाई प्रेशर पे होता है, ब्लड पॉइजनिंग इमीडिएट हो जाती है और आपके हाथ पैर जहां पे भी है वो कटवाने पड़ते हैं, कोई उसका इलाज नहीं है। सो यू नो, और सबसे बड़ी बात, ये जो कर रहा है और उसमें यू नो मैं उसमें जो नॉब नूब दी हुई है उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ इसके, क्योंकि वो कहता है जी ये रेल प्रेशर है, रेल प्रेशर जो आपका सेंसर है आरपीएस वो एक एनालॉग सिग्नल है तो उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, वो कभी डिजिटल सिग्नल देता नहीं, तो आपको ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत नहीं है, एनालॉग सिग्नल आर प्रेटी सिंपल। जो कूलेंट टेम्परेचर के इसमें दिया हुआ है वो भी सिग्नल बड़े सिंपल है कि वो एनालॉग है, थर्मिस्टर के सिग्नल है, तो अगेन नॉट एन इशू। जो मेन इन्होंने खेल करा हुआ है इस जैसे टेस्टर का मेन खेल ये है कि वो ईसीएम को एक क्रैंक सिग्नल जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वो भेजते हैं, ईसीएम वापस उसको सिग्नल को भेजता है, और जो अकलमंदी पहले लोग कम से कम इतना तो कर रहे थे कि वो टिकटिक ही करा रहे थे, इस भाई ने तो इंजेक्टर ही लगा के टेबल पे पतीला मान दिया, और ये कहाँ का मूर्ख इंजीनियर है आई डोंट नो, नहीं इसको ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का कितना पता है कितना नहीं आता। बाकी ये है कि एक चीज आप और नोटिस करोगे कि जब ये लोग इंजेक्टर की फायरिंग आपको करके दिखाते हैं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, अगर तुम्हारे बस का है ना तो मुझे सारे ईसीएम पे इंजेक्टर फायर करा के दिखा दो, इनके बस का नहीं है। ये चुनते हैं कि कौन सा जो ईसीएम है, किसी को का है या इसका है, हुंडई पुंडई या जो जिसका ये लोग सिग्नल को पकड़ पाए, और जो इनका तबेला इन्होंने बनाया है वो सिग्नल भेज के वो सिग्नल रिसीव भी कर पा रहा है कि नहीं। तो बेसिकली बड़े ही लिमिटेड ईसीएम पे ये आपका वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बना के आपका बुद्धू खींचते हैं। यहाँ का जो टेक्नीशियन है वो अपनी विवेक और बुद्धि का जरा बिल्कुल कम इस्तेमाल करता है, और अगर वो इस्तेमाल बुद्धि का करता होता तो ये फ्रॉड ये काम जो है ये ईसीएम रिपेयर विपेयर के चक्रों में ना पड़ता। ईसीएम रिपेयर और ये टेबल टॉप के ये कुकरम, करम तो नहीं मैं बोलूंगा कुकरम ना करता, जिसमें सिर्फ पैसा खराब करने के अलावा, मतलब इस टेस्टर का अगर कोई आदमी आपको 90,000-90,000 रुपए का बेच रहा है तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है जो उसको उसको खरीद रहा है, उसकी पंटिंग कर रहा है। और ये भी जो ये इसने भाई ने नाम बदला है ईसीएम क्रैंकिंग सिग्नल जनरेटर ने, इतने भी वही काम है इसका कि भाई वो डबिया बना दी, अब आप दिखा दिया यूट्यूब पे, अब आप खरीदते फिरो, खरीदो आप। ये जो बेसिकली आई डोंट नो यार, मेरी जवानी में, जवानी भी नहीं, आई मीन आपको पता नहीं, जवानी ही कह रहा हूँ मैं, कि वो शाहरुख की एक पता नहीं कौन सी पिक्चर थी जिसमें गाना था कि वो क्या वो गाता है कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं वाकई आप लोगों की जो हालात है ना, जो जो टेक्नीशियन ये चीजें सीखने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो
क्या तुम्हें एयर कंडीशन कमरे में काम करने का अच्छा लगता है, या जब तुम्हारे को कोई लड़की देखने आएगी तुम्हारा ब्याह के लिए या कुछ, तो वो देखेंगे, ओ जो ये हमारा ढीकरा है ये तो कंप्यूटर के बीच में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? अरे भाई, जो टेक्नीशियन है ना, उसको मिट्टी के साथ मिट्टी, तेल के साथ तेल, पानी के साथ पानी में मिलना पड़ता है, ठीक है? और ये जो फ्रॉडी है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे भाई तुम बचो। और मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है, ये जो 2-3 महीने है ना, 2-3 महीने में होता क्या है, नेट रिजल्ट में घड़ा फूटता है, ठीक है? तुम्हारा ट्रेनिंग सो कॉल्ड 3-6 महीने का, व्हाट एवर शेट, जो भी नॉनसेंस है, वो खत्म होने के बाद घड़ा फूटा, घड़े दो जगह फूट रहे हैं। एक जो टेक्नीशियन गया है पैसा लगा के, उसका सपनों का घड़ा फूट रहा है, और जो ये ईसीएम का सो कॉल्ड ये ट्रेनर है, उसके लिए कुबेर का घड़ा फूटा है, उसको माली माल आएगा, तुम्हारा माली माल जाएगा। तो ये जो स्ट्रीट है ना, टू वे स्ट्रीट, इसमें कोई जीत नहीं है, इसमें आपके लिए हार ही हार है, और उसके लिए जीत ही जीत। बाकी ये है कि मैंने ये बंदे को देखा तो मैंने कहा आपको मैं आगाह करवा दूं कि इस चीज से भी बचो, और अपना जो पैसे और जो अपना जो यू नो नॉलेज है उसको ठीक जगह लगाओ, डोंट वेस्ट मनी। बाकी आपकी मर्जी, आपने पैसे को आग लगानी है तो आपकी मर्जी। तो अभी इस वीडियो को यहीं रखते हैं, एंड टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।